sponsored by Jazz, the perfect way to start your day with fresh jazz drink. अदब नाजरीन, मैसूर 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। मैसूर 24, गयास अहमद ने जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। गयास अहमद ने शहर के सयाजी राव रोड स्थित वक्फ जिला वक्फ सलाहकार समिति कार्यालय में कार्यभार संभाला। सरखा जी ए मैसूर हजरत उस्मान शरीफ, पूर्व मेयर अयूब खान, मुफ्ती सैयद ताजुद्दीन, मौलाना अब्दुस सलाम रजवी, मौलाना अल्ताफ सुभानी और अन्य नेता मौजूद थे। मैसूर 24 न्यूज चैनल इंडिया द्वारा रिपोर्ट किया गया। मैसूर 24 न्यूज चैनल इंडिया पर रोजाना की ताज़ा तरीन खबरों के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक को लाइक शेयर करें। वालेकुम अस्सलाम। मौजूद हजरात हमारे इकराम और हमारे मैसूर के जिम्मेदार हजरात, पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ने मुझे वक्त की खिदमत के लिए चुना गया है। मैसूर किसी से मैसूर डिस्ट्रिक्ट तमाम जिम्मेदारों से, नुमा इकराम से, सबसे राय मशवरा लेकर जो भी मुझे ये मकाम पर बैठा बिठाया गया है, पहले तो एक्सपीडियम हमारे सिद्धरामैया साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और दूसरा अली जनाब जमीर अहमद साहब एक्स मिनिस्टर, और तीसरा हमारे वक्त के मिनिस्टर आनंद सिंह साहब का, इनका तमाम शुक्रिया। और हमारे अलहाज एक्स मेयर अयूब खान साहब, एक्स मेयर आरिफ हुसैन साहब, हसरतुल्ला साहब, हमारे एक्स चेयरमैन शब्बीर अहमद साहब, मौलाना सलाम हजरत, हमारे शिवना गोही उनका, और तमाम मैसूर के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करते हुए अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन खिदमत का मौका दिया है। इंशाल्लाह तमाम उलमा इकराम और मैसूर के हमारे दिन से सब राय मशवरा कर जो भी मुझे खिदमत करने का मौका दिया गया है, मैं हमेशा अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए हर वक्त पर खिदमत करने को तैयार रहूंगा इंशाल्लाह। अगर मैं पिछले टर्म में जो आरिफ नगरी चेयरमैन थे उनका एजेंडा था कि मोहम्मद जिनाह में इजाफा किया जाए, और तो जिन प्रॉपर्टीज के पास दस्तावेजात नहीं है ऐसे दस्तावेजात को मुकम्मल किया जाए, ये उन्होंने किया था, तो तरक्याती कामों को भी किया था, तो आपका एजेंडा क्या है? इंशाल्लाह जो पहले आरिफ नगरी साहब थे उन्होंने भी बहुत अच्छे प्रॉपर्ट के लिए खिदमत की है, और जो भी वक्त का मेरा एजेंडा क्या है, जो वक्त की प्रॉपर्टीज है वो उसको बचाना है,
और जो भी वक्त के प्रॉपर्टीज कहीं कहां पर भी रहे तो मैं उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस वो देता हूँ, प्रोटेक्शन करना अभी ईश्वर के अंदर जीते हों, मतलब कब्रिस्तान का मसला हो या मस्जिदों के जो भी कमेटीज का मसला हो, जो भी है इंशाल्लाह सबसे राय मशवरा इंशाल्लाह जल्द से जल्द साल करने की कोशिश करूँ। और जैसा कि आप तमाम जानते हैं पिछले दो दिन से खुसूस कर्णा मीडिया में ये बात आम हो रही है कि मैसूर में एक सियासी हलचल हो रही है, आपके और सिद्धरामैया के तालुकात जैसे कि आपके साथ अहिर साहब हैं, आरिफ साहब हैं, शकील साहब हैं, तो इनके तालुकात कहीं ना कहीं तनवीर सेठ के अगेंस्ट ऐसा दिखाया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जी, सब हम लोग गेट हैं जी, वही जो बोले बना वो सब अभी आंसर दिया जी जी, वो दिल्ली में प्रेसिडेंट को भी फोन करके बोला जी कोई बना नहीं है मैसूर के नाम, सब गेट सबका राय मशवरा लेकर हम लोग साथ में जाकर अच्छे से अच्छा काम करेंगे। तो इसका मतलब ये है नहीं इसका सियासी रंग ना दिया जाए? नहीं सियासी रंग ना दिया जी, ये कहना चाह रहे हैं गुजारिश जी जी, तो आप तमाम को लेकर इतना काम करना चाह रहे हैं? वही तमाम को लेकर चलने का मेरा इरादा है जी। आइए क्या कहना चाहेंगे? मैं एक दो सवाल कर लूं फैसल साहब जी जी, दरमियान में जी आप जो इख्तलाफ की बात जो की है, नहीं मैंने बोला जी, मीडिया में आया ऐसी बात चल रही है, हवा गर्म है जी, उसके ताल्लुक से मैं आपको ये कहना चाहूंगा जी, आली जनाब अल्लाह अजीज से साहब मरहूम के दौर में जब भी वफ का चेयरमैन नामजद किया जाता था, शहर मैसूर के तमाम मुसलमानों को यह बात मालूम है कि हमारे सैयद अब्दुल रहमान साहब मरहूम को और आली जनाब अजीज सेठ साहब मरहूम को हरगिज हरगिज नहीं होता था। इसके बावजूद अजीज सेठ साहब मरहूम ने दो मरतबा सैयद अब्दुल रहमान साहब का इंतखाब चेयरमैन के लिहाज से किया था। इसी तरह अल्लाह तनवीर सेठ साहब को भी मैं आज ये कहना चाहूंगा कि आप भी अपने वालिद मरहूम की तरह वो ख्यालात रखे, उसी तरह आप भी चले, साथ लेकर चले कौम की तरक्की के लिए मसाजिद और मदरसों की, कब्रस्तानों की और ईदगाहों की, इससे मुंसलिक जगहों की हिफाजत के लिए आप काम करने के लिए तैयार रहे। ये आपके पास आएंगे, आपको हार और शाल लेकर आप इनका इस्तकबाल करके इन्हें साथ लेकर वक्फ बोर्ड में आकर बैठकर आप इनको डायरेक्शन दे कि आप ये काम करें, ऐसी हिदायत देकर इंशाल्लाह तरक्की के लिए काम करें। सर जो पिछली मरतबा जो कुछ भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे या इनकी कमेटी थी उसका हवाला हमें नहीं चाहिए, अभी आपने इसका जो ओहदा संभाला है इसके बाद से हमारी अवाम को जो है कब तक एक वक्फ बोर्ड से एक शादी महल, कब तक वक्फ बोर्ड से डायरेक्ट वक्फ बोर्ड से जो डिलीवरी होती है हॉस्पिटल वो कब तक होगी, कब तक जो है स्कूल और कॉलेजेस होगी इससे डायरेक्ट वक्फ बोर्ड से, ऐसे बहुत सारे हैं जो वक्फ बोर्ड के अंदर आते हैं मगर वक्फ बोर्ड से डायरेक्ट कब तक होगी, क्योंकि कोई भी मिडिल क्लास की बच्ची, कोई भी गरीब बच्ची आज शादी महल के लिए 40,000 रूपये 50,000 रूपये से जायद देकर शादी करवाती हैं, ये आप अपने इस ओहदे को संभालते हुए आप मैसूर की अवाम को बताइए सर। आप इंशाल्लाह आज का जो सवाल है बहुत बेहतरीन सवाल है, मैं इंशाल्लाह मैक्सिमम कोशिश करके अभी आज फर्स्ट दिन बैठा हूँ, आइंदा क्या क्या करना है और बैलेंस क्या क्या काम है पहले के चेयरमैन पे करते हैं क्या है उनसे भी लाइव मशवरा, जो शादी महल का वक्त है एक हॉस्पिटल का वक्त है, अगर बोर्ड में प्रोविजन है तो इंशाल्लाह मैं मैक्सिमम जद्दोजहद से कोशिश मैं जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। जी सर एक और सवाल है सर, बहुत सिंपल है सर, अलहाज तनवीर सेठ साहब रुकन असेंबली सर, इन्हों भी जो है रियासती वक्फ बोर्ड के बहुत सीनियर मेंबर हैं, तो आज इतने सारे लोग हैं यहाँ पर उनका नजर ना आना ये जो है लोगों में खलश पैदा करता है, इसके बारे में क्या बोलें? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके भी बहुत जरूरी मसले, इससे जरूरी काम नहीं हो सकता? नहीं नहीं नहीं, उनके भी जरूरी मसले है, मीटिंग भी है, इंशाल्लाह मैं जाको मैं को बताओ क्या भी वैसा ये नहीं है, उन्होंने एक्सटर्नल मिनिस्टर भी थे, हमारे भी बड़े नेता थे,
इंशाल्लाह आप राय मशवरा करते जो भी काम आता है, ये जो नजर ये दिख रहा है कुछ भी दिख रहा है सब ये कि इंशाल्लाह सब बिल्कुल काम इन्हें इस बात की खबर नहीं है। मैं सुबह सवेरे तनवीर सैद साहब को फोन पर बात किया, वो इमरजेंसी कुछ काम के सिलसिले में बेंगलुरु चले गए। इंशाल्लाह जब बेंगलुरु से आऊंगा तो मैं जरूर वक्फ बोर्ड को आऊंगा। सर कल से जो अखबार में आ रहा है, सर अखबार में ये आ रहा है कि अलहाज तनवीर सेठ साहब के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने जो नाम लिया था उसको नजरअंदाज किया गया है। सुनिए पहले उसको नजरअंदाज किया गया है। साबिक़ वजीर आला सिद्धरमैया साहब और साबिक़ वजीर जमीर अहमद साहब के जो आप वफादार हैं उनमें शुमार किए जाते हैं, उनकी वजह से आपको ये ओहदा मिला है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बोला ना आपको, पहले भी बोलिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा आप जो सोच रहे सब मिलजुल कर एक होकर काम करने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये अल्लाह को राजी करने की जगह है, अल्लाह को बचपन सामने जो भी काम कर रहा है अल्लाह को आगे चलते हम लोग जो भी कौम की भलाई हो मैं जो इतना मेरे हाथ से आता मैक्सिमम उतना कोशिश करता हूँ जितना। ओके सर माशाल्लाह आप ये लेट चल रही है, अल्लाह ताला से जो है। सर एक मिनट सर फोन करो सर, अमानत चाहिए अल्लाह ताला के ऊपर है। अल्लाह ताला ने मुझे एक काबिल समझ के चुना है, इंशाल्लाह जो अल्लाह की अमानत है उसको मैक्सिमम में बचा कर हिफाजत करने की कोशिश पहले तो मैं अकरम साहब को डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन चुने जाने पर मुबारकबादी देना चाहता हूं और इसके साथ साथ यही कहना चाहता हूं कि वक्त जो है अल्लाह की अमानत है, उसको संभाल कर चलना लेकर चलना ये इनकी जिम्मेदारी है। मैं इस पर यही कहना चाहता हूं कि ये आज चेयरमैन नहीं बने, इनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई, इनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज शायद हम समझते हैं कि आज खुशी का मौका है, लेकिन ये खुशी का मौका नहीं है। आज अल्लाह ताला ने इनके ऊपर एक जिम्मेदारी डाला है और आने वाले दिनों में इस जिम्मेदारी को किस तरीके से निभाते हैं ये अल्लाह ताला भी देखता रहता है और आवाम भी देखते हैं। और मैं वक्फ के बारे में बार बार कह रहा हूं कि वक्फ कमेटी और वक्फ चेयरमैन जो भी होते हैं, चाहे रियासत के हो चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, वो कौम की ताकत बने, कौम की ताकत बने तो कौम की हिम्मत बने, कमजोरी बनने का काम ना करें। जहां तक हमने सुना है हिंदुस्तान के अंदर रेलवे डिपार्टमेंट छोड़े तो वक्फ की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा, अगर हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हमारे कौम को मिल्लत को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। रेलवे के दो प्रॉपर्टी है इंशाल्लाह, मैसूर के अंदर भी वक्फ बोर्ड के बहुत सारे प्रॉपर्टी थे, उसको किस तरीके से डेवलप करना है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और इसके साथ साथ वक्फ की प्रॉपर्टी कहां कहां पर लिटिगेशन में है या दूसरे और कब्जा कर रहे हैं या करने वाले हैं उसको बचाना भी यहां के चेयरमैन का फर्ज बनता है, तो उसके लिए काम करना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ जो वक्फ में वक्फ की प्रॉपर्टीज से जो इनकम आ रही है इदारों को, आज जो आप सब देख रहे हैं ये कोरोना वबा फैली हुई है, नफसी नफसी का आलम है, कहीं मुसलमान हॉस्पिटल के लिए तरस रहा है, कहीं मुसलमान हॉस्पिटल के बिल बनने के लिए अपने घर में मकान बिका रहा है, कहीं लोग अनाज के लिए तरस रहे हैं, कहीं लोग अनाज बगैर अनाज के मर रहे हैं। तो मैं चेयरमैन साहब से यही गुजारिश करता हूं कि पहला कामयाब जो वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज के अंदर जितने भी लोग कमाकर जो फंड रखे हैं, वक्फ बोर्ड में एक्ट भी है सर्टन परसेंटेज तक उसको खर्च करना चाहिए, तो कौन कौन कर रहे हैं और कौन कौन नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर तवज्जो डालकर उसको खर्च कराने की कोशिश करें, जिससे आवाम का बहुत बड़ा फायदा होता है। अब जरूरी काम है क्योंकि इस वक्त हम सब इस काम के लिए, इस पैसे के लिए, इस अनाज के लिए तरस रहे हैं, तो इसके लिए काम करें और आने वाले दिनों में सबका यहां पर
वो ग्रुप ये ग्रुप ये वो कुछ भी नहीं है, सबको साथ लेकर पिछले चेयरमैन भी जहां से शुरू से देखे आज शबीर साहब थे चेयरमैन यहां पर, आरिफ बेगवी साहब थे, रोहित साहब थे, बहुत अमजद साहब थे, बहुत सारे थे, उन्होंने उनकी जगह अच्छा काम करते हुए आया। उन सबकी राय मशवरा लेते हुए, लीडरों की राय मशवरा लेते हुए आप काम करते हुए आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं। ये कहते हुए मैं फिर एक बार इनको मुबारकबाद देते हुए। दिस न्यूज वॉज स्पॉन्सर्ड बाय जैज, द परफेक्ट वे टू स्टार्ट योर डे विद फ्रेश जैज ड्रिंक।